तो देश में कोरोना के आंकड़े फिर से आगाह कर रहे हैं। बीते 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 42,338 ठीक हुए हैं, 623 ने जान गंवा दी। केरल में सबसे ज्यादा 14,539 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही यह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों के मामले में भी टॉप पर पहुंच गया है। अब यहां पर 115,184 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी मामले में महाराष्ट्र में 104,406 एक्टिव केस के साथ दूसरे नंबर पर है। देश में अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 4.24 लाख मरीजों का इलाज जारी है। तो चलिए हमारे संवाददाता लोकेश होला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बार बार आगाह किया जा रहा है तीसरी लहर को लेकर कि आप धार्मिक स्थलों पर जाने से बचें, पर्यटक स्थलों पर जाने से रोकें, लेकिन वो प्रोटोकॉल जो है कोरोना का प्रोटोकॉल वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय को ये कहना पड़ रहा है कि हम यहाँ पर मौसम के बारे में अपडेट नहीं दे रहे हैं आपको। देखिए बिल्कुल अमित, जिस तरह से बात करें तो पूरे देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान लगातार केसेस कम हुए हैं, लेकिन चिंता यह है कि जिस तरह से आपने देखा भी है कि अभी जो टूरिस्ट प्लेस या फिर बात करें तो पर्यटन स्थल है या फिर बात करें धार्मिक स्थल, लगातार अब भीड़ उमड़ती नजर आ रही है और जो कोरोना संक्रमण का जो तीसरी लहर का जो खतरा है वो एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। इसी आशंका को देखते हुए ही एक बार फिर से जो कई राज्य सरकारों की ओर से पाबंदियां लगाना शुरू कर दी गई है, जिसमें बात करें तो जो उत्तराखंड में जिस तरह से जो कावड़ यात्राएं निकलती हैं अधिक संख्या में, तो उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि उत्तराखंड बात हिमाचल या फिर जो जम्मू कश्मीर की जो पर्यटन स्थल है वहां पर बड़ी संख्या में पहाड़ों में लोग घूमने के लिए पहुंच रहे हैं और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ही इस तरह का फैसला लिया है। बात करें आंकड़ों की तो देश में बीते 24 घंटे में 40,215 नए कोरोना के जो केस है वो सामने हैं, लेकिन ठीक होने वाले की जो संख्या है बीते 24 घंटे में वो 42,338 रही है, लेकिन कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या भी 623 रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के केस तो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन जो मृत्यु दर भी उसी तरह से बरकरार है। लगातार कई जो राज्यों में अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना से मौत हो रही है। केरला में सबसे अधिक कोरोना के केस आ रहे हैं, जहाँ पे 14,000 से 15,000 केस प्रतिदिन अभी भी सामने देखे जा रहे हैं। बिल्कुल लोकेश, बात करें तो तीसरी लहर को लेकर बार बार चेतावनी दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। कई देशों में इसका असर है वो भी नजर आने लग गया है, केस वहां पर बढ़ने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करें तो भारत की, तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में जो जागरूकता है वो नजर नहीं आ रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है सभी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी बार बार लोगों से अपील भी कर चुके हैं इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की पीक आई थी और उसके बाद में जो राहत देखी गई थी उसके बाद से ही तीसरी लहर की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी इस तरह की जो महामारी आती है उसके अलग अलग जो वेरिएंट है वो देखने को मिलते हैं, या फिर बात करें तो अलग अलग लहर है वो देखने को मिलती है। और उसी को देखते हुए ही जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को और आम जनता को अपील की थी कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। लगातार जो केंद्र सरकार की ओर से आगाह किया जा रहा है, साथ साथ जो IMA की ओर से और जो बात करें तो जो चिकित्सा विभाग है केंद्रीय उसकी ओर से भी लगातार प्रदेश की जनता को आगाह करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में कोरोना के केस आए थे और जो त्रासदी जो देश की जनता ने देखी थी और उसी त्रासदी एक बार फिर से नहीं हो उसी के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार जागरूक करने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से और जो विशेषज्ञों ने जो आगाह किया है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी और जो जरूरतमंद दवाइयों की देखने को मिली थी, ऐसे में तीसरी लहर में किस तरह से जो खतरा है वो बढ़ेगा इसको लेकर विशेषज्ञ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस खतरे से बचने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइन का सुनिश्चित पालन करवाने के जो निर्देश है वो दिए जा
रहे हैं। साथ साथ जो भीड़ पर्यटन स्थलों पर देखी जा रही है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी बीते दिनों आगाह किया था और जो देशवासी से अपील की थी कि इस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन का उल्लंघन नहीं करे, क्योंकि कोरोना खतरा अभी तक टला नहीं है, आगे फिर से जो इसकी लहर आ सकती है और इसी को देखते हुए ही लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारें काम कर रही है। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता लोकेश ओला हमें ये अपडेट दे रहे थे कोरोना को लेकर कि किस तरीके से जो केस है हालांकि कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पर्यटक स्थलों पर लोगों की लापरवाही दिख रही है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है।